हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम 311 का इंजन सर्विस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इंजन ऑयल का मतलब ड्रेन प्लग है, यहाँ से हम इंजन ऑयल खोल के निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब ने ड्रेन प्लग को खोल दिया है और यहाँ से हम अपना इंजन ऑयल को निकाल देंगे। इंजन ऑयल को निकालने के बाद हम आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। सबको सिंपल सा आपको सबको पता ही रहता है, जो भी भाई इंजन सर्विस करते हैं। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप सिंगल मतलब ओनर का रोलर चलाते हैं तो कैसे सर्विस किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ऑयल हम इसको ड्रेन कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद से हम अपना यहाँ पे दिखा देते हैं आपको फ़िल्टर। यहाँ पे अपना फ़िल्टर है, दिखा देता हूँ मैं। देख लीजिए, यहाँ पे इंजन ऑयल मतलब निकल चुका है सारा। ज़्यादा मतलब जो भी इंजन ऑयल इसमें गिर चुका है सब धीरे, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है इंजन ऑयल। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फ़िल्टर को कैसे खोलेंगे। खोलने के बाद से फिर दूसरा फ़िल्टर लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मतलब फ़िल्टर यहाँ पे खोल रहे हैं मैकेनिक साहब। खोलने के बाद से हम फ़िल्टर को लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर को खोल दिया जाएगा। आप देख ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे स्लिप कर रहा है। ये वाला बेल्ट जो है फ़िल्टर बेल्ट, ये वाला थोड़ा उतना अच्छा नहीं काम करता है, बहुत स्लिप कर लेता है। जो कपड़े का फ़िल्टर बेल्ट आता है वो खोलने के लिए, वो अच्छा होता है। तो इसके लिए वही लें, खोलने के लिए आसानी रहता है उसे खोलने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसका अगर नहीं खोला थोड़ा मार के थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वहाँ पे पकड़ सके। तो हमारे फिल्टर मैकेनिक साहब दबा दिए हैं उनको फ़िल्टर को, और उसके बाद से खोल लेंगे फ़िल्टर को। देख सकते हैं यहाँ पर खुल चुका है फ़िल्टर। फ़िल्टर खुलने के बाद से मैं बताता हूँ कहाँ से इंजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ढक्कन एक खोल कर रखा हुआ, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वहाँ से हम अपना इंजन ऑयल डालेंगे, ठीक है। और इंजन ऑयल डालने के बाद से हम उसको फिर से कवर को लगा देंगे। सबसे पहले कि हम फ़िल्टर को चेंज कर लेंगे, उसके बाद से ही मतलब डालेंगे ऑयल को, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर निकल चुका है। फ़िल्टर निकलने के बाद हम इधर को साइड में रख देंगे। फिर ऊपर वाला एक और फ़िल्टर है, उसको खोलेंगे इस साइड में, और एक पल्ली साइड में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़िल्टर को रख दिया है, और ये ऊपर वाला फ़िल्टर जो है डीजल फिल्टर है, फ़िल्टर जो भी है यहाँ पे है, और इसको खोल के निकाल देंगे। फिर नया फ़िल्टर लगा देंगे और ऑयल को डाल देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं खुल गया है, थोड़ा सा घूम गया है, खुल जाएगा फ़िल्टर। खुल गया, खुलने के बाद से हम फ़िल्टर को लगा देंगे, फिर आपको हम आगे बता देंगे। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, फ़िल्टर को निकालना होता है, फ़िल्टर को फिर नया फ़िल्टर लगा के इंजन ऑयल डाल देना होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें सर्विस में कुछ लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खुल चुका है फ़िल्टर, लग गया, लगा के और फिर ऑयल को डाल देंगे, बस हो जाएगा अपना सर्विस। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, अगर हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़िल्टर खुल चुका है। कुछ वीडियो पार्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है। यहाँ पे डीजल फिल्टर देखिए खुल चुका है, ठीक है। और देखिए नया फ़िल्टर लग रहा है, यहाँ पे एक फ़िल्टर नया लगा रहे हैं हमारे मैकेनिक साहब, ठीक है। ऐसे फ़िल्टर को कस देंगे, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा फ़िल्टर, उसके बाद से हम ऑयल को डाल देंगे। बस उसके बाद से थोड़ा पंप मारेंगे, पंप मारने के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूँ कि कुछ वीडियो इसमें से वीडियो पार्ट कट है, क्योंकि हमारे मैकेनिक साहब गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे वीडियो ना बनाओ। इसके लिए जो भी इंजन ऑयल डाला गया उसका वीडियो नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।